दिल्ली में दिन दहाड़े पिता और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला थाना नबी करीम के पहाड़गंज कियारा कछार रोड का। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इधर मृतक की पत्नी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई थी, पति और बेटा बेसुध पड़े मिले। महिला ने नौकर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद असंतोष का सिलसिला लगातार जारी है। निवाड़ी विधानसभा से टिकट की दावेदारी रोशनी यादव कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल की कांग्रेस मुख्यालय में पहुंची। इस दौरान उन्होंने निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय को टिकट देने का विरोध किया। और वहीं निवाड़ी जिला कांग्रेस के प्रवक्ता रजनीश पटेरिया ने कहा कि अगर पार्टी टिकट को लेकर अपना फैसला नहीं बदली तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ निर्दलीय लड़ेगी। वहीं ग्वालियर टिकट वितरण में एक विवाद उपजा है। भाजपा में ही यह विवाद देखने को मिल रहा है। ग्वालियर पूर्व से भाजपा की ओर से माया सिंह का टिकट फाइनल होने के बाद शनिवार रात से ही विरोध देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने कहा कि जहां शनिवार रात को उपनगर बुरार में चक्का जाम किया तो रविवार सुबह उन्होंने जय विलास पैलेस के सामने धरना दिया। पन्ना में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुन्नौर से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही बीजेपी नेता अमिताभ बागरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के हक के लिए चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया और गुन्नौर से प्रत्याशी राजेश वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं ग्वालियर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया और अब वो कभी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, उसी कांग्रेस ने अब पिछड़े वर्ग का राग अलापा हुआ है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 228 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने घनश्याम चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया। इसके स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल बीजेपी कार्यालय में विरोध शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंद्रवंशी पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी हैं। पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए जो स्थानीय हो और जनता के बीच रहने वाले। रतलाम में अंधविश्वास चरम पर है। लोग छोटी बच्ची को माता समझकर उसकी पूजा करने पहुंच रहे हैं। मंदवासा गांव के कन्हैयालाल पाटीदार के घर की बात है ये, जहां कन्हैयालाल ने दावा किया कि उनके घर के आंगन में अचानक जोत जल उठी। इस खबर के फैलने के बाद वहां पर ग्रामीणों के दर्शन की भीड़ लगी। दतिया की भांडेर सीट से बीजेपी ने घनश्याम पिरोनिया को चुनावी समन में उतारा है। टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी पिरोनिया ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और महाभारत कालीन भगवान वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मां पीताम्बरा ने उन्हें टिकट दिलाया है और वही जीत दिलाई। भोपाल के बैरसिया में वन विभाग ने 4.50 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। दरअसल ग्राम शेषापुरा में वन विभाग की 4.50 हेक्टेयर भूमि पर चार भाई राजेंद्र गुर्जर, बादल पप्पू और क्रिस गुर्जर ने अतिक्रमण किया हुआ था। बैरसिया वन अमले और हैदराबाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। रीवा में एक महिला ने गांधी स्मृति चिकित्सालय के सामने बच्चे को जन्म दिया। सतना जिले के झिन्ना नई बस्ती से महिला डिलीवरी के लिए आई थी, लेकिन प्रसव पीड़ा तेज होने के चलते अस्पताल के अंदर ही नहीं पहुंच पाई। इसके बाद अस्पताल से महिला वार्ड की नर्सों ने आकर महिला की बाहर ही डिलीवरी कराई। बता दें कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। डिलीवरी के बाद महिला को गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एमपी कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब निवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का विरोध तेज हो चला है। कांग्रेस नेता रजनीश कटारिया के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। निवाड़ी के कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय पर घोटाले के मामले दर्ज है और उनके बीजेपी नेताओं के करीबी संबंध हैं। मंदसौर में पुलिस ने अवैध पटाखों की जब्ती की कार्रवाई की। गरोट में एक गोदाम में पुलिस ने अवैध पटाखों से भरे कुल 95 बॉक्सेस जब्त किए, जिसकी कीमत 20 लाख आकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। दरअसल प्रशासन आचार संहिता के चलते फुल एक्शन मोड पर है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने छिंदवाड़ा जिले की चौराई विधानसभा क्षेत्र से लखन वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लखन वर्मा के नाम का ऐलान होने के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, तो पूर्व विधायक रमेश दुबे के समर्थकों ने नाराजगी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद खुलकर बगावत सामने आ रहा है। टिकट कटने से नाराज दावेदार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। गोविंदपुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह के खिलाफ दीप्ति सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी की और कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख रुपए बरामद किए। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोलानी के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट पर जांच करने के दौरान एक कार से 5 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन प्रत्याशी घोषित होते ही उनका विरोध शुरू हो गया। इस सीट से प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को माना जा रहा था, लेकिन उनका टिकट कटने से समर्थक आक्रोशित हो गए। उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर ब्राह्मण समाज ने भी बीजेपी के फैसले को गलत बताया है। यूपी के मुरादाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ होते होते बचा, जहां पाक बेड़ा से कुंदरकी जा रही एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़ते हुए विज्ञापन पोल से जा टकराई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें पाक बेड़ा पुलिस ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा एबीएन भट्टे के पास हुआ। गनीमत रही कि विज्ञापन पोल गिरा नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मंत्री के बेटे गनर और ड्राइवर ने एक महिला से मारपीट की। यह मामला सीतापुर के कोतवाली थाने के अंतर्गत कोहना चौकी क्षेत्र के दुर्गा पुखा मोहल्ले का। यहाँ एक महिला ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के बेटों सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर ने महिला के साथ मारपीट की। घटना के 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हमीरपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां नेशनल हाईवे नंबर 34 पर हाईवे पर ट्रक ने पुलिस की जिप्सी और कोबरा बाइक में पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। कानपुर में पुलिस की लापरवाही के चलते एक निर्दोष को 10 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। ये मामला घाटमपुर कोतवाली का। यहाँ एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया। जमानत पर छूटने के बाद वो समन जारी होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। इस पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इधर पुलिस ने वारंट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की जगह उसके ही किसी हमनाम निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया। मुरादाबाद में संपत्ति विवाद के चलते एक चाचा ने अपने सगे भतीजे और बहू को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला भगतपुर थाने के परशुपुरा गांव का है। आरोपी प्रशांत ठाकुर ने संपत्ति विवाद में दंपत्ति की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद ही थाने जाकर उसने सरेंडर कर दिया। गोवर्धन में गिरिराज तलहटी में चल रही रामलीला महोत्सव में सेतुबद्ध लीला ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मानसी गंगा बंगाली घाट पर भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना कर नाव का पुल बांधा। राम लक्ष्मण और वानर सेना पुल से समुद्र पार कर लंका पहुंची, इसका यह मंचन था। सेतुबद्ध लीला में चौपाइयों के गायन ने समूचे माहौल को भक्तिमय कर दिया। मेरठ में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई शहर और देहात में अवैध रूप से चल रहे होटलों पर हुई। थाना टीपी नगर क्षेत्र के वेदव्यासपुरी स्थित करीब 9 अवैध होटल्स के सराय रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग जैसे तमाम दस्तावेज चेक किए गए और प्रशासन ने पुलिस की मदद से इन सभी को सील कर दिया। आजम खान अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सुबह 5 बजे शिफ्ट किया गया। 2 दिन पहले आजम खान अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी ताजिम फातिमा को जन प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनको रामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आजम खान ने जेल से बाहर जाते समय कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। मलिया के 15 ब्लॉक का सड़क मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे दर्जनों गांव का रास्ता बाधित हो गया। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है और इस सड़क पर चलना काफी दुभर हो चुका है। आने जाने वाले लोगों के लिए सड़क मुसीबत बन गई है। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।